हमारे साथ में एक नन्हे मास्टर ट्रेनर ही इनको कह लीजिए, ये साथ में है। क्या नाम है आपका बेटा? जिगर। सॉरी, जिगर। जिगर, अच्छा जिगर, क्या करने आए हो यहाँ पर आज? मैं बोलो। मैं आप सबसे बस एक बात बोलना चाहता हूँ, बस एक बात बताई कि हमारे शहर, हमारी गली में जब भी आते हैं कूड़े वाले अंकल तो सब मचाते हैं शोर कि कूड़े वाले अंकल आ गए, कूड़े वाले अंकल आ गए। वो तो कूड़ा लेने के लिए आते हैं और हम कूड़ा फैलाते हैं, तो इसमें हम गंदगी वाले हैं कि वो? जी जी जी, हम गंदगी वाले हैं, हम कूड़े वाले हैं, और वो सफाई वाले, वो सफाई वाले, वो तो हमारी गंदगी लेके जा रहे हैं। प्रमोद जी, तो वो तो हमारी गंदगी लेके जा रहे हैं ना। तो मैं आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने जब भी कूड़े वाले अंकल आए गाड़ी लेके तो उसमें कचरा डालना है, नहीं तो डस्टबिन में डालना, और अपने घर में डबल डस्टबिन डालना है, एक में गीला कचरा और एक में सूखा कचरा। और बहुत बढ़िया प्रमोद जी, आप मास्टर ट्रेनर हैं और देख लीजिए एक छोटा नन्ना ट्रेनर आपके लिए तैयार हो गया है और आपके पास भी बहुत बड़ा दायित्व है इस बच्चे के लिए, क्या कहेंगे आप? मैं तो इसके लिए, इसको इतनी नॉलेज है, इसको देख के ऐसे लग रहा है कि यस, अब हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है, देश साफ हो जाएगा। तो इसका मतलब आप अपने देश के भविष्य के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हैं अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए? देखिए, हमने, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि हमारी जनरेशन ने इस देश को गंदा करने में सबसे ज़्यादा भागीदारी की है, और अब यही हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इसको करेक्ट करके जाएँ और अपनी अगली जनरेशन को सिखा के जाएँ। और इस तरह से जब बच्चे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यस, बच्चे सीख रहे हैं और उसके साथ साथ में ये आगे बढ़ के काम करेंगे और जो हमने गलतियां की हैं उसको करेक्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि अब इस तरह के अगर बच्चे होंगे तो अब एक और मास्टर ट्रेनर जरूर तैयार हो जाएगा, और ये तो मास्टर ट्रेनर तैयार हो गया। हाँ बेटा, और कुछ कहोगे? हाँ बताइए। तो फिर आज बहुत सारे लोग अपने 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 बाल में वार्ड में सफाई करेंगे, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हमारे देश में चाहते हैं कि ये देश एक बहुत अच्छा देश बने। तो फिर मैं आप सबसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने शहर में, मतलब इस फरीदाबाद में कूड़ा ना डालें। जहन अच्छा, अपने शहर में साफ सफाई रखें। देखिए, एक छोटा सा बच्चा कितनी प्यारी बात आज यहाँ पर कह रहा है, तो हम तो बड़े हैं, अगर ये इन बातों को समझ सकता है तो आप क्यों नहीं इन बातों को समझ सकते? आप अपने शहर में या अपने आसपास के क्षेत्र में सफाई क्यों नहीं रख सकते? बेटे, आपकी एज कितनी है? 8। 8 साल का ये बच्चा है, जिगर इसका नाम है, और वास्तव में ये जिगर वाला है क्योंकि जिगर वाली बातें ये कर रहा है यहाँ पर। और बिल्कुल एक मास्टर ट्रेनर को जो काम करना चाहिए, जो मास्टर ट्रेनर्स काम कर रहे हैं वही काम ये एक छोटा सा 8 साल का बच्चा आज कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के बच्चे हमारे समाज में हैं और जो कि जागरूक हो रहे हैं, मात्र 8 साल की उम्र में ये एक अपने दायित्व को निभाने के लिए तैयार हैं।